किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये जरूरी है कि हम किडनी के बीमारियों को होने से रोकें। तो क्या हम कर सकते हैं कि हम सेहतमंद रहें और हमारी किडनी भी सेहतमंद रहे? इसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहली बात, पानी खूब पिए। दूसरी बात, पाश्चात्य शैली का, वेस्टर्न लाइफस्टाइल का गलत अनुसरण ना करें। ये जो जंक फूड का प्रचलन है, पिज्जा बर्गर का प्रचलन है, कोक का प्रचलन है, इन चीज़ों से बचें। हाँ, याद रहे, देसी खाना में भी जंक फूड होता है, बहुत ज़्यादा समोसे खा करके भी आप अपनी सेहत खराब कर सकते हैं। तो जो खाना होना चाहिए वो हमारे ज़रूरत के अनुरूप होना चाहिए, स्वाद के चक्कर में पड़ के हम अपनी सेहत को खराब ना करें। खाना में संयम रखें। अब बात करते हैं प्रोटीन की। इंडियन पॉपुलेशन में प्रोटीन खाने का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं था। अमेरिकन पॉपुलेशन में लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत हेवी इनटेक ऑफ प्रोटीन, खासतौर पे एनिमल प्रोटीन, दूरगामी तौर पे लॉन्ग टर्म में हमारे किडनी के लिए शायद अच्छा ना हो। तो प्रोटीन का इनटेक मॉडरेशन में होना चाहिए। और जैसा हमने अभी कहा कि अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उतना लें जितने हमारे शरीर की ज़रूरत हो। खा खा करके वजन बढ़ाते रहना सेहत के खिलाफ होगा। इसके अलावा एक कल्चर हो गया है लोगों को दर्द की गोलियां खाना, भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस रहना। तो यह जिंदगी के भाग दौड़ में जो हम जिंदगी जीना भूल जा रहे हैं वो भी गलत होगा। थोड़ा लाइफ को भी इंजॉय करें और स्ट्रेस को अपने जीवन से बाहर करें। कभी कभी अच्छी आदतों के बावजूद मरीज को बीमारी हो जाती है, जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, गठिया की बीमारी। तो इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, उन्हें कंट्रोल में रखें और उन्हें काबू में रखें। ओवर द काउंटर मेडिसिंस, बार बार एंटीबायोटिक खाना, बार बार कोई बिना डॉक्टर से पूछे आयुर्वेदिक चूर्ण लेना, दर्द की गोली लेना गलत आदत होगी। स्मोकिंग किडनी के लिए एकदम गलत है। और आजकल जो ये जिमिंग का कल्चर और सप्लीमेंट का कल्चर आ गया है वो भी किडनी के लिए हानिकारक है। आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए सेहत। उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने शरीर को एक खास आकार देने के चक्कर में जो सप्लीमेंट्स और इंजेक्शंस लेने लगते हैं वो गलत हो जाता है। और वैसे गलतियों से मैंने बहुत लोगों की किडनी को बिगड़ते देखा है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसका अगर आप आम जिंदगी में पालन करेंगे तो आपकी किडनी सेहतमंद रहेगी। धन्यवाद।